हेलो गाइस, तो GTA 6 पे एक अपडेट निकल के आ रही है। क्या अपडेट निकल के आ रही है सब बताऊंगा, वीडियो को देखिएगा एंड तक। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो गाइस, ये अपडेट निकल के आ रही है GTA 6 पे कि GTA 6 अभी डिलेड हो गया है। कब तक डिलेड हो गया है? ये लगभग दिसंबर 2024 तक डिलेड हो गया है, क्योंकि इसे रॉकस्टार वाले एक फ्यूचरिस्टिक गेम बनाने वाले हैं, एक बहुत ही शानदार गेम बनाने वाले हैं, बिल्कुल RTX मोड में, ग्राफिक्स वाइज बहुत शानदार करने वाले हैं, इसीलिए इसमें टाइम लगने वाला है। प्लस एक और चीज़ है कि जो इसके जो प्रोटैगनिस्ट हैं उसमें एक लड़की का प्रोटैगनिस्ट भी ऐड कर दिया गया है, साथ में कुछ एनिमल्स भी ऐड किए गए हैं, इसलिए भी इसको बनाने में टाइम लग रहा है। कुल मिला के इसको बनने में टाइम लग रहा है, इसीलिए ये डिले हो चुका है। अब बात करें इसके कैरेक्टर्स की, तो लूसिया इसका कैरेक्टर है, जिसके बारे में सामने आ रहा है कि एलेक्जेंड्रा क्रिस्टीना नाम की एक कोई आर्टिस्ट है, फीमेल आर्टिस्ट है, वो इसका रोल कर रही है लूसिया का, और इसके बारे में ये अनुमान ही लगाया जा रहा है। हालांकि कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कह पा रहा, केवल ये अनुमान ही है। अब अनुमान किन आधार पे लगाया जा रहा है? पहला तो जो लूसिया की और इनकी आवाज़ है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, यानी बिल्कुल बिल्कुल डिटो कॉपी है। दूसरी बात है कि ये जो है कोस्टा रिका में पैदा हुई है, और लूसिया का जन्म भी कोस्टा रिका में ही बताया गया है। तीसरी ये है कि ये स्पेनिश बोलती हैं और लूसिया भी स्पेनिश बोलती है, तो ये तीनों चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, और ये सिमिलैरिटीज इंडिकेट कर रही हैं कि लूसिया का किरदार यही निभा रही हैं। दूसरी बात करें जेसन की, तो उसका कैरेक्टर ब्रैंड जेम्पेला निभा रहे हैं, जैसा कि सब जानते ही हैं। इनके एक इन्होंने इंस्टाग्राम लाइव भी किया है, उसमें इन्होंने इसकी डिटेल्स दी हैं। जैसे क्या डिटेल्स दिए कि जेसन के बारे में बताया गया है कि जो जेसन है उस पर क्या एबिलिटीज़ हैं। तो मैं बता दूँ, जो जेसन है उसमें एबिलिटी कि वो चीज़ों को लोकेट करके चोरी कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फ्रैंकलिन में चीज़ों को धीरे करके या स्लो मोशन में करके करने की एबिलिटी होती है, माइकल में गाड़ी चलाने की एबिलिटी होती है, और ट्रेवर में शूटिंग की एबिलिटी होती है, बिल्कुल वैसी ही एबिलिटी इसके अंदर है। अब बात करें लूसिया की, तो लूसिया की एबिलिटी अभी बाहर नहीं आ पाई है, लेकिन जो जेसन है इसकी एबिलिटी के बारे में बताया गया है। दूसरी बात, जेसन ने यह बताया कि इसमें 500 से ज़्यादा ईस्टर एग्स और रैंडम इवेंट्स हैं जिसको खेल के आपको मज़ा आएगा, जिसमें UFO भी ऐड किए गए हैं बहुत बड़ी मात्रा में, जिसको खेल के आप बोर्ड फील नहीं करोगे और आपको मज़ा आता रहेगा। उसके बाद एक और बात बताइए उन्होंने कि ये जो गेम है ये भी GTA Vice City की तरह स्कारफेस जो मूवी आई थी उससे काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड है, और उससे हिंट लिया गया है, और उससे हिंट लेके इसको बनाया जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक और बात बताई कि जो साइबर पंक है उसमें भी वो काम कर चुके हैं, और उसका भी काम वो कर रहे हैं, इसीलिए इस गेम को बनाने में डिले हो रहा है, क्योंकि उनको दोनों जगह अलग अलग डेट्स देनी पड़ रही हैं, इसीलिए दोनों कंपनी दोनों ही गेम डिले हो रहे हैं, और रॉकस्टार को टाइम लग रहा है GTA से। बात करें लूसिया के करेक्टर की, तो उन्होंने बताया है कि लूसिया के करेक्टर के बारे में बताया है कि ये एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट होगी, इसके अंदर ये जैकपैक उड़ा सकती होगी। साथ ही उन्होंने ये बताया कि एक अलग अलग कंपनीज इसमें काम कर रही हैं। किस पे काम कर रही हैं? जैसे इसमें कई कंपनीज FBI नाम की एक एजेंसी पे काम कर रही हैं, जिसमें अच्छी बात ये बताई गई है कि जो FBI वगैरह की एजेंसी है इसका पहले नाम बदल दिया जाता था, FIB कर दिया जाता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज नहीं किया जाएगा। यानी जो रॉकस्टार है वो सभी कंपनियों के एजेंसियों के ओरिजिनल नाम यूज़ करेगा, जैसे FBI का नाम FBI ही यूज़ किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा, ऑडी का नाम ऑडी ही यूज़ किया जाएगा, बदला नहीं जाएगा, इस तरीके से कोई भी चीज़ चेंज नहीं की जाएगी, बिल्कुल एज इट इज़ यूज़ की जाएगी, जिसको खेल के आपको मज़ा आने वाला है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसमें वर्कआउट मिशन ऐड किए गए हैं, इसके अंदर GTA San Andreas की तरह जैकपैक ऐड किया गया है, और इसका मैप बहुत ही बड़ा रखा गया है और बहुत ही शानदार रखा गया है। और उसके बाद में ये बताया जाता है, बता रहे थे कि हो सकता है इसके अंदर कोई किड्स प्रोटैगनिस्ट भी इंट्रोड्यूस किया जाए, जो लेटर ऑन बाद में पता चलेगा कि कंपनी इंट्रोड्यूस कर सकती है कि नहीं। तो गाइस, ये थी इसकी फुल इन्फॉर्मेशन GTA 6 की। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन कुछ बढ़िया लगी होगी। हालांकि ये अभी लीक से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं निकल के आई है, जैसे ही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकल के आएगी तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊँगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, सी यू।